स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 में आपको मैंने हेयरिंग एड की सिलेक्शन टेक्निक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड के बारे में बताया और किस तरह से किस हेयरिंग लॉस के लिए हेयरिंग एड कौन सी इस्तेमाल की जाती है, बॉडी वॉन हेयरिंग एड और बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड के लिए आपको कुछ और कंपोनेंट्स की ज़रूरत है जिसको ईयर मोल्ड कहा जाता है। ईयर मोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर द होल हेयरिंग एड इटसेल्फ। अगर ईयर मोल्ड फैब्रिकेशन या बनावट सही तरीके से नहीं होगी तो हेयरिंग एड की अफादियत पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। अब मैं सबसे पहले आपको चाहूँगी बताऊँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स आपके साथ कौन से मोल्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पिछली डेमोन्स्ट्रेशन में बॉडी वॉन हेयरिंग एड के बारे में बताया था और बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड के बारे में बताया। अब मैं चाहूँगी आपको मोल्ड के डिफरेंट मटीरियल जो इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बताऊँ। ये हमारा सॉफ्ट मोल्ड है जो कि सिलिकॉन से बनता है और दूसरा हमारा हार्ड मोल्ड है जो कि एक्रिलिक से बनता है। नेचुरली हमारे मुल्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर स्केलेटन मोल्ड्स होते हैं, हाफ शेल मोल्ड्स होते हैं, ट्यूबिंग की डिफरेंट काइंड्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट इतना अभी तक फेमिलियर या मशहूर नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ पर ये दो किस्म के मोल्ड ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। आपको बताती चलूँ कि बॉडी वॉन हेयरिंग एड के लिए मोल्ड किस तरह से बनते हैं और बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड के लिए मोल्ड किस तरह बनते हैं, ये दोनों की बनावट अलग तरीके से होती है। पहले मैं आपको बॉडी वॉन के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम मोल्ड की बनावट एक्चुअली होती किस तरह है वो प्रोसेस समझाऊंगी। हमारा बॉडी वॉन हेयरिंग एड जो कि आपको पिछले यूनिट में मैंने बताया था, उसके साथ ये रिसीवर है, रिसीवर के आगे एक छोटी सी लूप है और उस लूप को हम अटैच कर देते हैं मोल्ड के साथ, और मोल्ड के अंदर ये एक छोटा सा क्लिप है जो कि क्लिप टोटली उसको होल्ड अप करता है। इस रिंग कि अगर बनावट इस पूरे यूनिट के साइज़ के मुताबिक नहीं होगी तो ये इसमें फिट नहीं आएगा। आजकल एक नई भी तकनीक इस्तेमाल होती है जिसमें आप क्लिप यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लिप है अंदर और उसी तरह से ये अटैच्ड हो जाता है। आइए अब हम बिहाइंड द ईयर मोल्ड की बात करते हैं। बिहाइंड द ईयर मोल्ड ये बेसिकली एक मोल्ड है जिसमें अभी हमने ट्यूब नहीं लगाई। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड के साथ मोल्ड अटैच करने के लिए आपको ट्यूब की ज़रूरत है। ट्यूब को इंसर्ट करने का एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो कि हम अगली डेमोन्स्ट्रेशन में प्रैक्टिकली किस तरह उसको इंसर्ट करते हैं उसके बारे में अभी आपको समझाएंगे, और एक सब्जेक्ट या इंसानी कान पर इसको लगा के काटने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि ये ट्यूब है और इस ट्यूब से ये हेयरिंग एड पेशेंट के या मरीज़ के साइज़ के मुताबिक कान के काट दी जाती है और उसको फिर अटैच कर दिया जाता है। आइए अब हम चलते हैं कि एक्चुअली मोल्ड का इम्प्रेशन किस तरह लिया जाता है। सबसे पहले जो आपने करना है वो है ये ऑटोस्कोपी। ये ऑटोस्कोप है, इसके अंदर एक लाइट होती है, ये कान के कनाल के अंदर देखने के इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपको कान के कनाल की सिचुएशन का पता चल जाएगा कि उसमें वैक्स है कि इन्फेक्शन है, कि उसके कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, कि कोई फ्लूइड बह रहा है कान से कि नहीं। उसकी विजुअल इंस्पेक्शन के लिए ये ऑटोस्कोप यूज़ किया जाता है। आपने पेशेंट को पहले बताना है कि मैं आपके कान के अंदर चेक करूँगा, आपको कुछ महसूस होगा मगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें उसको। आपने ऑटोस्कोप के साथ एहतियात से कान के पहले आउटर साइड चेक करने हैं कि यहाँ कोई इन्फेक्शन या कोई कट ना लगा हो। उसके बाद आपने इसको इंसर्ट करना है बड़े एहतियात से कि अंदर से मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो। आपने कनाल चेक करनी है, आपने ईयर ड्रम चेक करना है ताकि आपको क्लियर व्यू साफ नज़र आए। उसके बाद निकालते वक्त भी आपने एहतियात करनी है कि जल्दी से ना निकाला जाए कि उसको कहीं लग जाए अंदर। उसके बाद आपने ये ऑटो लाइट है और ये एक ऑटो प्लग है जो आपने कान में इंसर्ट करना है ताकि जब मटेरियल इंजेक्ट किया जाए कान के अंदर, ये मटेरियल कान के पर्दे को ना टच करे और ना कोई उसको तकलीफ़ हो पेशेंट को। इसका बड़ा एहतियात से आपने इसको इंसर्ट करना है।
मैं याद करूँगा। उसके बाद आपने ये ईयर मोल्ड मटेरियल है, इसमें आपने एक एहतियात करनी है कि आपने ये टच करने से पहले, इसके इस्तेमाल से पहले आपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेने हैं, ताकि आपके हाथ पे कोई मैल या कोई जरासीम ना लगे हों। यह आपने एहतियात करनी है, वरना ये मिक्सिंग के दौरान वो जरासीम आपके मटेरियल के साथ मरीज़ के कान में जा सकते हैं और वो एक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अंदर जाके। जब आप निकाल लें उसके बाद आपने इसका ढक्कन वापस इसको लगा देना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाता है। ये एक हार्डनर है, ये आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा इंजेक्ट करते में। अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम होगा, तो वो बहुत टाइम लगाएगा क्योर होने में। तो ये आपको एहतियात करनी है लगाते हुए। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए हार्डनर इसके साथ। आपने एहतियात करनी है कि ये जो नीले रंग की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल ना हो, ये इवन सा मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपको आ रही है तो आप इसको मज़ीद मिक्स कर लें, और इसको आपने बहुत आराम से नहीं करना, क्योंकि ये हार्ड होना शुरू हो जाता है जैसे आप मिक्स करना शुरू करते हैं। बाद में आपने इसको सिरिंज में डाल के इसको अच्छी तरह पैक करके, और फिर आपने इंजेक्ट करने से पहले कान को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना, आपने आराम से सिरिंज कान के अंदर डाल के और उसको इंजेक्ट कर दें, और आराम आराम से उसको फिल होने दें पूरे कान को। बाकी जो रह जाए उसको आप बेशक निकाल के ज़ाया कर दें। आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे ये हार्ड होने में। जब तक ये हार्ड ना हो आपने इसको बिल्कुल नहीं बाहर निकालना। अगर आपने जल्दी से इसको बाहर निकाल लिया तो वो डिफॉर्म शेप में निकल आएगा और आपको कभी भी प्रॉपर ईयर मोल्ड इससे आप नहीं बना पाएंगे। ये जब आपको लगे, आपने निकालने से पहले एक हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। आपने देखा कि इसमें मैंने दोबारा किया है, कोई निशान नहीं आया, इसका मतलब अब ये रेडी हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के वक्त आपने थोड़ी एहतियात करनी है कि एकदम नहीं निकालना, थोड़ा सा इसको शेक करना है ताकि ये कान के अंदर थोड़ा सा लूज़ हो जाए, और आपने कान को ज़रा सा पीछे से प्रेस करके और आराम से इसको बाहर निकालना है। ये ईयर मोल्ड ईयर इम्प्रेशन है जिससे मोल्ड तैयार किया जाता है। ये आपको जब ये आप निकाल लें कान से, तो आपने इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ना है ताकि ये और क्योर हो जाए। जब 15-20 मिनट गुजर जाएं, आपको लगे इसका बेस्ट तरीका है चेक करने का कि ये क्योर हो गया है, अब हल्का सा नाखून का इसमें निशान डालें। इस पर निशान नहीं आना चाहिए नाखून का, अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये अब ट्रिमिंग के लिए तैयार हो गया है। इसका ट्रिमिंग का आपको एक कटर चाहिए, जो कि आपने इसको बड़े एहतियात से काटनी है। हाथ आपका सीधा हो, कटर टेढ़ा ना हो, क्योंकि ये अगर टेढ़ा होगा तो ये गलत जगह से भी काट देगा जहाँ से नहीं कटना चाहिए इसको। जो ये आगे ऑटो स्वाब लगा हुआ है, आपने बिल्कुल इसको नीचे से एकदम साथ से आपने ये काट देना है। ये आपने
ये स्वाब ऊपर जो लगा हुआ है ये आपने उतार के डस्टबिन में इसको फेंक देना है, क्योंकि ये ज़ाया हो जाता है, ये रीयूज़ नहीं कर सकते। जो नीचे का हिस्सा है वो आपने बड़ी एहतियात से इसको, जो कान का जो ये कर्वेचर्स हैं वहाँ से बिल्कुल नीचे से आपने आराम से काटना है, कि आपका आप अपनी उंगली ना काट लें। बड़े एहतियात से आपने इसको, जो एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल है उसकी आपने कटिंग कर देनी है। ये अब हमारा ईयर इम्प्रेशन ट्रिम हो गया है। अब हम इसकी डाई बनाएंगे। डाई के लिए ये हमारा डाई फ्रेम है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको रखने की आपने एहतियात करनी है कि बिल्कुल डाई के फ्रेम के सेंटर में हो, ये आगे पीछे ज़्यादा ना हो, वरना वो फिर जब आप मोल्ड बनाएंगे वो फिर उसमें सही नहीं बनेगा। हम सबसे पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे, ये हम डाई के हिसाब से इसमें भरेंगे। आपने अपनी डाइस चेक करनी है ताकि ये कम ना हो, थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मगर आप इस्तेमाल के बाद इसको आप बंद कर दें। फिर आप आराम से इसमें पानी डालें, क्योंकि आपने ये पेस्ट बनानी है, और इतनी थिक ना हो और इतनी पतली ना हो कि आप उसको डालें तो वो सही तरह अंदर ना बैठ सके और लीक होनी शुरू हो जाए साइडों से। ये आपने एहतियात करनी है मिक्सिंग में, कि इसमें कोई गिल्टी ना रह जाए। जब आपने देख लिया कि बिल्कुल सही हो गया, कोई गिल्टी सब निकल गई है, अब इसको साइड में रख दें और इसको आराम से थोड़ी सी ऊंचाई से अब इसको भरना शुरू कर दें। ये आपने इतना किसको भरना है कि इसकी टॉप थोड़ी सी डोम बन जाए हल्का सा। 4 से 6 घंटे इसको लगेंगे सख्त होने में, तो उस वक्त तक आपको इसको छेड़ना नहीं है जब तक ये सख्त नहीं हो जाता। अब हमारी डाई तैयार हो गई है, हम इसमें से जो हमारा मोल्ड है वो हम बाहर निकाल लेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसके अंदर हम अपना जो हमारा मोल्ड मटेरियल है वो हम इसमें लगाएंगे। ये आपने एहतियात करनी है, ज़्यादा टाइम आपने बाहर नहीं रखना, ये लाइट और एयर क्यूरिंग होता है, ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। जितनी दफ़ा आप निकालेंगे डालेंगे उतनी दफ़ा ये उस हिसाब से ये डैमेजिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। आपने इसको मिक्स करने की ज़रूरत होती, क्योंकि ये प्री मिक्स्ड होता है। आपने सिर्फ इसको एक शेप देनी है मामूली सी, ताकि ये अपनी जगह में बैठ जाए। पहले आपने ये जो कनाल अंदर बना हुआ है आपने वो लाजमी फिल करना है, वरना ये इसमें एयर लॉक हो जाता है और ये इसमें कनाल का साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे मोल्ड भी ज़ाया हो सकता है बाद में। या ये करने के बाद आपने ये मटेरियल वापस बंद करके डब्बे में रख देना है, ताकि ये हवा से ख़राब ना हो। इसको बेशक आप साइड में रख दें, बाद में आपको इसको थोड़ा सा ना ऊपर से प्रेस करना होता है, ताकि ये जो इसके ग्रूव्स या कनाल का जो सुराख है उस उधर तक ये प्रेस हो जाए। ये एक सेलफन शीट होती है, वो आप पहले से काट के रख सकते हैं। इसको आप फोल्ड करके इसके ऊपर आप ये टॉप कवर लगा दें। ये इसका क्लैंप होता है जो आपने इसको लगाना है, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर देना पड़ता है इस नोज़ल के थ्रू, ताकि इसके अंदर जो कोई डिफॉर्म या एयर बबल्स रह गए वो हवा के प्रेशर से इसको वो सारे क्लियर कर देता है, उसकी एक इवनली शेप बन जाती है। ये हमारा मिनी कंप्रेसर है, ये स्पेशली ईयर मोल्ड्स के लिए बनाया हुआ है, जिसके इसमें एक नॉर्मल टाइप का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता।
ये अब मैं इसको अंदर हवा भर भरूंगा। आपने तकरीबन 30 तक गिनना है, तीस के बाद आपने आराम से इसको नोज़ल पीछे कर लेनी है। आपने ये ओवन है, इसको आपने 200 पे रखना है और इसको मैक्सिमम ऊपर नीचे दोनों रॉड्स आपने इसके ऑन कर देने हैं, पीछे से आपने इसको ऑन कर देना है और इसको आपने आराम से अंदर रख देना है। और इसका टाइमर है जो कि आपने इसको 40 मिनट्स पे रखना है। ये अभी इसके 40 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको स्विच ऑफ करेंगे पीछे से ताकि ये सारा स्विच ऑफ हो जाए। और इसको हम एहतियात से करेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, आपने एहतियात से इसको पकड़ना है सारा कुछ। आराम से बाहर निकालें, इसको हाफ ओपन रहने दें ताकि ये ठंडा होता जाए। अभी आपने जब ओवन से निकाल लें उसके बाद एहतियात से इसको पानी के नीचे रख दें, ऊपर से इसको नल खोल दें ताकि ये इसको ठंडा कर दे। ये तकरीबन आधे मिनट में ही ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। बाद में आप इसको हाथ लगा के देख सकते हैं कि ये ठंडा महसूस होगा आपको, ये ठंडा हो जाए। अब इसको बंद कर दें और फिर इसको एहतियात से उठा लें। ये अभी हमारा मोल्ड तैयार हो गया है, इसको हम डाई में से निकाल लेंगे। ये एहतियात करनी है आपने उतारते हुए भी कि ये ख़राब ना हो जाए निकालते हुए। इसको आप साइड में रख दें। ये एक हमारा मोल्ड तैयार हो गया है, इसकी अभी हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग के बाद ये इसमें ट्यूब फिट की जाएगी क्योंकि ये BTE है, कान के पीछे फिट होने वाला, इसलिए इसकी अब हम ट्रिमिंग शुरू करेंगे। अब ये हमारा ट्रिम हो गया है, अभी हमने सुराख डालना है। सुराख डालते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है कि ज़रा सी आपकी एहतियात ना हुई तो ये मोल्ड एक सेकंड के अंदर ये ख़राब हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा और आपको नया फिर सारा प्रोसेस अलिफ से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा सुराख इधर से करना है ताकि वो आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि जब आप यहाँ से करेंगे तो आपको एक गाइडलाइन आपको यहाँ से नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उस हिसाब से आपने बड़े एहतियात से कनाल की टिप से भी शुरू करना है और फिर यहाँ से दोनों सुराखों को आपस में एक इवन सी कनाल आपने बनानी है ताकि जब ट्यूब डालते वक्त उसमें कोई रुकावट ना बने। अब हमारा मोल्ड ईयर मोल्ड तैयार हो गया है, अब हम आपको इसमें ट्यूब कैसे इंसर्ट की जाती है वो आपको बताएंगे। ये अपने मोल्ड जब इंसर्ट करने से पहले ट्यूब इसको ऐसे पकड़ना है कि जो पिछला हिस्सा है कान का मोल्ड का वो आपकी तरफ हो, जो कान के अंदर जाएगा वो आपसे दूसरी तरफ हो। आपने बड़े एहतियात से उस स्ट्रिंग के साथ, ये फाइबर नायलॉन स्ट्रिंग है, ये आराम से मिल जाता है मार्केट में। ये अभी हमारा स्ट्रिंग ये आर पार हो गया है, इसके अंदर हमने जो ट्यूब है वो फंसानी है ताकि इसको हमने दूसरी साइड से इसको खींचना है बाहर। ये एहतियात करें कि ये ट्यूब बिल्कुल सीधी हो, ये किसी एक बेंड में ना हो, क्योंकि जब ये दूसरी साइड से अंदर इंसर्ट होगी तो ये जिस पोजीशन में होगी उसी पोजीशन में ये रह जाएगी, फिर वो बाद में ट्यूब निकाल के दोबारा इंसर्ट करने से ख़राब हो जाती है। तो इसको पहली दफ़ा ही आपने एहतियात करनी है, आराम से इसको बाहर खींच लें, ये दूसरी साइड से ये बाहर आ जाएगी, आप इसको खींचें ताकि ये ट्यूब का ये हिस्सा जो है, ये बेंड जो है इसके साथ मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा बेंड सीधा ना हो और बहुत बेंड भी ना हो, इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए जो एक्चुअल होती है। बाद में इसको कैंची से कनाल के अगले हिस्से से बड़ी एहतियात से अब इसको काट दें। ये हमारा हियरिंग एड है, ये हम इसको अब मोल्ड के साथ अटैच करेंगे। ये एहतियात करनी होती है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और
हियरिंग एड को आपने यहाँ से पकड़ना है, क्योंकि जब आप इंसर्ट करेंगे थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से पकड़ा होगा ये यहाँ से इसकी हुक टूट जाएगी, और ये अगर यहाँ से टूट गई ये हियरिंग एड ज़ाया हो जाता है। इसलिए आपने एहतियात करनी है, इसको इसके अंदर आराम से इसके ऊपर चढ़ा देना है। ये आपका ईयर मोल्ड और हियरिंग एड तैयार हो गए। अब मैं आपको डिफरेंट मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस या टेक्निक्स जो इस्तेमाल की जाती हैं ईयर मोल्ड के लिए वो उसको बताना चाहूँगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस के लिए ईयर मोल्ड हियरिंग एड के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ईयर मोल्ड की टाइट फिट या सील कान में नहीं होगी तो बच्चे की हियरिंग एड की अफादियत कम हो जाएगी। अब कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से हियरिंग एड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे ही मोल्ड की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आवाज़ प्रॉपरली पिकअप होगी और एक्यूमुलेट करके रिसीवर के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट या बच्चे के कान में चली जाएगी। तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना आपके लिए इस कोर्स में ज़रूरी हैं। पहली टेक्निक को वेंटिंग कहते हैं, दूसरी को डैम्पिंग और तीसरी को हॉर्निंग। वेंटिंग टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल होती है जिन मरीज़ या बच्चों को लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस बहुत कम होता है, तो उसमें मोल्ड के पैरेलल जहाँ पे आप ट्यूब डालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये ट्यूब डली है, इसके साथ में एक बोर बना देते हैं। और उस बोर से क्या होता है कि जब हियरिंग एड साउंड को पिक करती है और हियरिंग एड एम्पलीफाई करती है तो वो वेंट जो है वो बेसिकली जैसे एग्जॉस्ट फैन या वेंट है उसकी तरह आवाज़ को कान से निकाल देता है। तो बेसिकली अगर हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस हो तो इस ट्यूब के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई ज़्यादा होती हैं, और जिन फ्रीक्वेंसीज़ को जो कि अमूमन लो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो नेचुरली एम्पलीफाई हुए बगैर पेशेंट या बच्चे के कान में एम्पलीफाई हो जाती हैं। डैम्पिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुछ हियरिंग लॉस ऐसे हैं जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज़ में हियरिंग लॉस है और कुछ में नहीं है। डैम्पिंग के थ्रू एकूस्टिकली उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि फोम या छोटा सा ट्यूब का पोर्शन इसी ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, तो जब वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकली जो पेशेंट या बच्चे को सुनने की ज़रूरत नहीं है हियरिंग एड के थ्रू वो डैम्प होके जाती हैं, तो वो मोर नेचुरल प्रोसेस है एम्पलीफिकेशन का। तीसरी चीज़ हॉर्निंग है। हॉर्निंग बेसिकली भी एक छोटा सा मेटल का पोर्शन या पीस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, उसका भी मकसद यही है कि जो एम्पलीफिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है उसको ज़्यादा कर देता है और जिन फ्रीक्वेंसीज़ को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है वो उस डैम्पर में से हॉर्न में से गुजर के एम्पलीफाई नहीं होती। आपको मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अकूस्टिक्स या इसकी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईयर मोल्ड की बनावट में। जब आप इम्प्रेशन ले लेते हैं उसको ओवन में रखा जाता है कुछ मिनट के लिए, 150 डिग्री पर उसको कुछ देर के लिए बेक या पकाया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक और ओवन में डाला जाता है 40 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द मोल्ड, और उसको पका के पूरा तैयार किया जाता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए, जैसे आप केक के लिए एक बैटर बनाते हैं ओवन में डाल के उसको बेक करते हैं और जब वो निकलता है तो जिस तरह की शेप या फॉर्म आप देना चाहें, काट के उसको जिस शक्ल में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मोल्ड ये डाई में जब डल जाता है, जब वो पक जाता है, तो फिर जब एक्चुअल फिटिंग हियरिंग एड की सर अंजाम दी जाती है तो टेक्नीशियन या ईयर मोल्ड फैब्रिकेटर इस मोल्ड को बच्चे या ह्यूमन ईयर में डालता है, फिर इसको कैंची से काटता है और फिर हियरिंग एड को उसके साथ अटैच कर देता है। और अगर कहीं से मोल्ड टाइट है या लूज़ है, तो अगर टाइट हो तो आप उसको फाइल करके या काट के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर लूज़ हो तो रेकमेंडेड ये है कि इसको दोबारा बनाकर उसकी साइज़ से एक्यूरेटली बिल्कुल सही फिट और सील के साथ उसके कान में फिट हो हियरिंग एड के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़े दोबारा ईयर मोल्ड एकूस्टिक्स पे जोर देना चाहूँगी। अगर ईयर मोल्ड सही तरह फिट नहीं है, वो पेशेंट या ह्यूमन ईयर के हिसाब से नहीं बनाया गया, लूज़ है या उसमें फीडबैक या विस्लिंग की साउंड आ रही है, हियरिंग एड से साउंड लीक हो रही है, तो वो पेशेंट या बच्चे के लिए हियरिंग एड की अफादियत नहीं हो सकेगी, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ईयर मोल्ड का टाइट फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेक्नीशियन को ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ईयर मोल्ड इतना टाइट ना हो जिससे पेशेंट के कान में किसी किस्म का ज़ख़म या सोर बन जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो हमने इस सेशन यूनिट नंबर 6 कोर्स नंबर 683 ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री में ईयर मोल्ड फैब्रिकेशन सिलेक्शन एंड डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में आपको बताया है वो आपको अफादियत देगा। अगर कोई भी चीज़
इस यूनिट में आपको समझ ना आए तो अपनी अपेंडिक्स यूनिट नंबर 6 से रुजू फरमाइए. इसके साथ साथ हम आपको चाहेंगे कि जो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन इस पूरे कोर्स की होगी या इस पूरे प्रोसेस की एमोल्ड फैब्रिकेशन, वो भी आपको अफादियत देगी.